अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहूँगा आपको अपने प्लांट लवर्स के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको प्लांट्स से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। और क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इसके बीच में आप अपने किचन गार्डनिंग जो है छत के ऊपर आराम से रूफ टॉप में पॉट्स के अंदर कर सकते हैं। आप ये तो देख सकते हैं, ये मैंने तुरई का F1 हाइब्रिड बिटर इसका लौकी का मैंने पौधा लगाया था। तो ये आप देख सकते हैं, तकरीबन इसकी 1.5 महीने के अंदर ग्रोथ, और ये इसके अंदर फ्लावर्स भी आ रहे हैं। इस बेल का फैलाव कम होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो लौकी बड़ी आपको ज़बरदस्त मिलेगी। और ये जो है वो बॉटल गॉर्ड है, तो ये आप लगाएं, काफ़ी हैवी प्लांट होता है ये, तो इसको आप चाहें तो और भी बड़ा गमला दे सकते हैं। अभी इसके जो ये टेंड्रिल्स हैं, इनको भी आपको ट्रेंड करना होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं रस्सियों पर मैंने इनको जो है वो लगाया। तो देखें कैसे इन्होंने ये अपना रोप को कैसे टाइट पकड़ लिया है, ग्रिप बनाएंगे अपनी। तो अब ग्रिप से आप जो है रस्सी से दूसरी दीवार पे भी इनको आप जो है वो हैंग कर सकते हैं, तो इस तरह ये बढ़ता रहेगा। ये प्लांट जो है वो तकरीबन 2-2.5 महीने तक फ्लावरिंग करता है और फ्रूट्स देता है। इसकी फर्टिलाइज़र वगैरह प्रॉपर रखें आप लोग। अगला पौधा जो मैं आपको दिखाता हूँ वो करेले का दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं प्लांट, ये मेरा करेले का प्लांट है। अभी तकरीबन मैंने 2 महीने पहले लगाया था, और आप देख सकते हैं इसकी प्रोपोगेशन। इसको मैंने इस पॉट में लगाया, और ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक का पॉट है, इसमें आराम से ग्रो कर रहा है। इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं येलो कलर के, और अगर आप इसको देखें तो फ्लावरिंग के साथ ये अपने आगे बढ़ने के लिए टेंड्रिल्स भी जो है वो निकाल रहा है। इसको ट्रेंड करना पड़ेगा, अभी मैं इसमें जो है वो रस्सी या थ्रेड की मदद से इनको फैलाऊँगा। और ये देखें आप, ये ऊपर बेल बढ़ रही है, और साथ में ये आप देख सकते हैं फ्लावरिंग शुरू हो गई है, करेले आना शुरू हो गए इसमें। तो ये भी जो है फर्टिलाइज़र मांगते हैं, तमाम बेले फर्टिलाइज़र मांगती हैं, प्रॉपर फर्टिलाइज़र। प्रॉपर वाटरिंग आप करेंगे गर्मियों के अंदर और आपके छत पे गुंजाइश है, तो बहुत बेहतरीन आप लोग सब्जियां लगा सकते हैं। जिसमें करेला आपको पता है वैसे ही 200-250 रुपये किलो चल रहा है, अगर आपको करेले फ्री में मिल जाए घर पर तो कोई मसले की बात नहीं है। तो ये करेला हो गया, लौकी हो गया, एक तुरई का भी प्लांट मैंने लगाया है। तुरई का प्लांट ये आप देखें, बेल जो है वो कहाँ ऊपर तक जा रही है, और इसको भी जो है वो फर्टिलाइज़र मैंने अभी डाला है। इंशाल्लाह ये भी फ्लावरिंग जल्दी शुरू करेगी। तो ये कि पानी का आपने ख्याल रखना है, पानी की बहुत ज़रूरत होती है इनको, हैवी फीडर्स होते हैं। और इनको आपने जो है वो खाद डालनी है तो ऑर्गेनिक डाल दें, या फिर नॉन ऑर्गेनिक डाल दें, बनाना पील वगैरह डाल दें। और इनकी गुडाई आपने लाजमी करनी है, ये जो प्लांट की जो मिट्टी है इसको आपने नरम अगर आप रखेंगे, ऑक्सीजन आती रहेगी इसको, और प्लांट बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और साथ में यहाँ पे जो ये सकर्स इनके लगते हैं, यहाँ पे प्लांट के जो पत्ते लगते हैं एक्स्ट्रा यहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं, इनको भी आपने वक्तन वक्तन काटते रहना ताकि बेल आगे बढ़े। तो अब इंशाल्लाह फ्रूटिंग शुरू होगी, मज़ीद इंशाल्लाह तो शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये आपने देखा कि करेले आने स्टार्ट हो गए, वहाँ पर लौकी में मेरे फूल आने स्टार्ट हो गए। तो बस चैनल को आप लोग रेगुलर विज़िट करें, और प्लांट लवर्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।